वक्त अच्छा जरूर आता है हाँ, मगर काफी दूर आता है। जिनके चलते हैं रात दिन ऐसी, उनको काफी जरूर आता है। गर्मी है कहर ढा रही, फिर भी आ रहे हैं वासु चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हुजूर कैसे हैं आप? सुनाइए। आज तो माशाल्लाह मवेशी मंडी के चेयरमैन लग रहे हैं। अच्छा। एक दिन वासे मैंने पूछा, मैं कहा टाइटैनिक तबाह का तो ऐसी कहते जो पिछले टायर से हवा कट सी। अगे वासे में बैरी जहाज क्यों नहीं बहंदे? कहते ने यार सोच के मैंने गोते आने लग पे। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल हिरा अहमद अब्बासी। वेलकम टू द शो जी। आज मेरे प्यारे भैया रमेश सिंह जी आए हैं जी। शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जी एक्स एम पी ए पी एम एल एन के आज हमारे मेहमान हैं। अच्छा। इनके साथ हैं फैशन मॉडल हिरा अब्बासी, स्लिम स्मार्ट और इनोसेंट भी अच्छी खासी। तेरी भोले। अच्छा। नहीं, तेरी भोले डर के चुप कर जावांगा। हाय हाय हाय। मेनू मार दे मर के चुप कर जावांगा। हाय हाय। चल मेरे हाथ पग फड़ा मैं सौ खाना। अच्छा। मेरे हाथ पग फड़ा मैं सौ खाना, सच्चे दे सिर धर के चुप कर जावांगा। हाय हाय हाय। सच्चे दे सिर धर के क्या बात। मैंने अपनी जिंदगी के साथ खेला जुआ है, रिश्ता करवाने वाली क्यों गैर नहीं मेरी अपनी बुआ है। वाह। जो पीटीआई के साथ आजकल हो रहा है रोड़ा साहब, कभी सॉफ्टवेयर आपका भी ऐसे अपडेट हुआ जी? रमेश साहब क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल वेल। ऑल वेल। अब तो ऑल वेल ही है, होना भी चाहिए था, है ना? पांच साल हो गए ना उनके पास। ये अजाब कौम ने बड़ा पुकते हैं और आप लोगों ने भी। सबने भूखते हैं। आपको मेरा पिछला प्रोग्राम याद होगा? बिल्कुल। और इसी प्रोग्राम में मैंने क्या कहा था आपको, शायद वो नहीं याद कि डॉलर 103 हो जाएगा। मैंने आपने इसी हवाले से अपने इसहाक डार साहब का कहा था के? और मैंने कहा था ही विल कम बैक। हाँ जी, एंड ही विल डू दिस। नो, ही विल डू दिस क्या बताऊं। And he will perform his duty as a finance minister. ठीक है। डार साहब वापस आ गए। तो ये भी उसी के, आपने जुमला कंप्लीट नहीं किया था पिछली बार कि ये डॉलर जो है ये वहां ले जाएंगे। देखिए डॉलर तो हमने नहीं किया, ये तो जिसने किया है। वो आज आप देखे ना जो उनके कारनामे थे, जिस तरीके से स्टेट बैंक को गिरवी रखा, IMF के साथ मुआहिदा किया और फिर जाते जाते बगैर कैबिनेट की अप्रूवल के वो पेट्रोल की प्राइस नीचे गिरा दी। अब हो ये रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मुल्क की जो खुशहाली थी, जो 2018 में जब PMLN गई थी तो जिस तरीके से GDP की ग्रोथ थी, ग्रोथ स्ट्रेटजी हमारी देखी थी, डॉलर को उस वक्त शेख रशीद कहता था मैं सियासत छोड़ दूंगा, डॉलर 100 रुपए से नीचे आ गया, डॉलर 100 रुपए से नीचे आया, जितनी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज थी सब ने पाकिस्तान को बेस्ट रेट किया। बट हुआ क्या, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जो सोच लेके आए थे, मुझे नहीं पता उनकी सोच क्या थी, बट उनकी एक ही सोच थी जो 9 मई को उन्होंने जाहिर कर दी कि वो उनके जो इतने जितने हमायती हैं इस वक्त जो उनके साथ खड़े हैं। और ख़ासकर मुझे जो दुख हो रहा है वासे भाई, ये थोड़ा सा इट्स ऑन अ सीरियस नोट, जो मैं हर प्रोग्राम में ही कहता हूँ, वो हमारी आने वाली जनरेशन है। जिस तरीके से पाकिस्तान के बच्चों को आपने डी ट्रैक किया, उनको पॉइजन किया, उनको पोलराइज किया, और आज वो बच्चा जो माँ बाप रो रहे हैं, मुझे फ़ोन आया, बहुत सारे जो पीटीए के दोस्त थे मुझे फ़ोन आया कि हमारे बच्चों के पीछे से पुलिस पड़ी है, आप कुछ करें, हमारे बच्चे तो बह गए। तो उस पूरे हमने भी बीटी के मैं लेट ये जो बात करें, आई एश्योर यू नारोवाल से
किसी एक बंदे को आई एम ऑन रिकॉर्ड, ये आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी कोई बता दे कि नारोवाल जिला में से हमें फोन करके पूछा कि हमने कहा नहीं, हम सियासी लोग हैं, हम बिल्कुल ये इस तरह के काम नहीं करते। बाकायदा तौर पर कोई अरेस्ट भी हुआ था, ऐसे इकबाल साहब को कॉल आई है जी आपके कुछ जो आपके साथी नहीं है बट आपकी दूसरे मुखालफी ने हमको अरेस्ट किया, ऐसे इकबाल साहब ने कैटेगोरिकली कहा नो वे, वो मेरा सियासी मुखालफ है, मैं उसका सियासत के मैदान में मुकाबला करूंगा, ना कि मैं उसको जेल में पकड़ूंगा। तो हम बिल्कुल इसकी हमायती, हम तो पहले दिन से कह रहे थे आप सियासी मुखालफत को जाती रंजश और इस मुकाम पे ना ले जाए कि आपकी जो आने वाले बच्चे हैं जो नस्लें, आज यही हो रहा ना कि आज आपने केपी में सुना होगा दो भाइयों की आपस में लड़ाई हुई, रिश्ता देते हुए नहीं जी तुम पीटीए को सपोर्ट नहीं करते मैं तुमसे रिश्ता तोड़ो, तो इतनी पोलराइजेशन आपने कर दी कि अल्टीमेटली आपकी आने वाली जो नेशन बिल्डिंग की हम बात करते हैं, जो एक कौम की बात करते हैं, कहते थे हम इस परचम के साए तले एक है, आपने उसको डिवाइड कर दिया जो नहीं होना चाहिए। सर रोड़ा साहब, ऐसे खान साहब को अब सब छोड़ गए, आप भी सब खुश हैं, हुण ते इलेक्शन करवा दे। किसने कहा था इलेक्शन नहीं हो रहे? सर तुसी क्या सी, तुसी फैसलाबाद वाले ने फैसला करना है तो फैसलाबाद वाले ने फैसला करना है कि इलेक्शन अक्टूबर हो रहे हैं। आप दोनों की जो बात है इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ हीरा बहुत मुस्कुरा रही है, क्या वजह है इसकी? हीरा आई एम जस्ट एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन। Are you enjoying the contents of the conversation or just a conversation between them? नहीं नहीं context भी enjoy कर। नहीं आप क्या चाहती हैं election होने चाहिए? बिल्कुल। तो आप किसकी तरफ हैं? Noon League की तरफ। जिंदाबाद। ओए होए होए। वो भी डरे हैं। और ते जना ने PTA का election लड़ना, उन्होंने भी कहना साड़ा इंतखाब निशान शेर होना चाहिए। कितने डरे हैं? आपको लगता है बात यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है? बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा वो है, लेकिन सर मेजॉरिटी यूथ जो है वो पीटीआई को फॉलो करती है और उनका यही नैरेटिव है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाएं। देखिए जी मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन इस मुल्क का अल्टीमेट जो फ्यूचर है वो इलेक्शन में, इलेक्शन हो गए अगली हुकूमत होगी वो 5 साल के लिए मुंतखब होकर आएगी, वो अपने 5 साल की स्ट्रेटजी देगी अपने मुल्क को कैसे लेके जाना है, और हमने हमेशा इलेक्शन के हक में रहे। बट क्या ये मुल्क इस वक्त मुतहम्मल हो सकता है कि कोई एक शख्स जो पंजाब असम्बली और केपी असम्बली उसकी अना की भेंट चढ़ी? आप देखें ना कभी भी कोई सियासतदान अपना प्लेटफॉर्म छोड़कर नहीं जाता, वो कहता है कि सिस्टम के अंदर रह के मैं सिस्टम के साथ लड़ाई करूंगा। वंस यू आर आउट ऑफ द सिस्टम तो आप लड़ाई किससे कर रहे हैं? सड़कों पे तो फैसला नहीं होना। इन्होंने अप्रैल में असम्बली से निकले बाहर, उसके बाद दूसरी बड़ी गलती ये हम नहीं कह रहे, ये तो इनका अपना साथी, अब तो उनके साथी बन गए हैं जो परवेज राई साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वो कहते रहे फवाद चौधरी चार दिन पहले फड़ा जाता तो असेंबली नहीं सी मेरी टूटनी। बड़ी बुरी बात है यार, एक तो आपकी टेपे बुरी बात क्या है, टेपे सुनना तो बंद करें यार। बुरी बात क्या है, इंसान अब बात नहीं कर सकता, ऐसी बात है ना करें, ऐसी बात है ना ऐसी यार, क्या बंदा फोन में बात कर ही देता यार, डॉग क्या कर रहे हैं रमेश, बहुत सारी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है, हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है, हाय हाय आ। वेलकम बैक जी। सर पॉलिटिक्स करते करते आपको एक्टिंग का ख्याल कैसे आया? अरे नहीं नहीं उल्टा था, पहले एक्टिंग करते करते ऐसा, यानी पहले एक्टिंग करते थे फिर पॉलिटिक्स का ख्याल आया था? बताइए जी। एक्टिंग तो जब मैंने और वासिफ भाई ने हमने इकट्ठे की थी तो समीना आपा साहिबा का वो सिटकॉम होते थे, उसमें काफी सारा हमने काम किया, बहुत सारे दोस्त उस वक्त। फिर उसके बाद मैं लाहौर से चला गया इस्लामाबाद, तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद वैसे ही उस वक्त एक्टिंग शेक्टिंग था ही कुछ नहीं, फिर वहाँ पे मैंने डेवलपमेंट प्रोफेशनल के तौर पे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 2008 में मैंने एक इदारा बनाया मोजेस फाउंडेशन के नाम से, और उसकी बनाने की वजह थी करतारपुर साहब, और करतारपुर साहब की गुरु नानक साहब की जाए वफात है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कहीं पे भी इदारा बनाऊँ, मुझे वर्ल्ड बैंक की फंडिंग मिली थी, तो मैंने कहा गुरु नानक साहब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल यहाँ पर गुजारे हैं, तो मैं वहाँ से इसकी शुरुआत करूँगा। इस धरती के अंदर कुछ कशिश है, इस धरती के लोग गुरु नानक साहब ने अगर यहाँ पे है तो धरती के लोगों के अंदर कोई प्यार था मोहब्बत था, जिसकी वजह से गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी 18 साल यहाँ पे गुजारे, और वो प्रूव हुआ कि गुरु नानक अब जो करतारपुर साहब का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना। 2013 में जब मैं MPA बना, मुझे एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे इंकरेज किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मिलवाया, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ वासिफ साहब ये डिस्कस हुआ था करतारपुर कॉरिडोर कि हम करतारपुर साहब जो इतनी खूबसूरत जगह, इंडियंस 4 किलोमीटर दूर खड़े होकर यहाँ पे मत्था टेकते हैं बट दे वर नॉट अलाउड टू कम दिस साइड। देखे ना उस वक्त क्या उनकी कैफियत होगी कि आप किसी की मजहबी इबादत गाह उससे 4 किलोमीटर दूर उसको नजर आ रही है
बट वो आ नहीं सकता। तो मियां नवाज शरीफ साहब का ये विजन था कि हम ये करतारपुर साहब खोलेंगे। हमने इस पर काफ़ी काम भी किया। जब मैं पहली दफ़ा MPA बना और दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि 1947 के बाद कोई समन फ्रॉम द सिख फेथ इज़ इन पंजाब असम्बली, और इसका क्रेडिट सर्टनली मेरी पार्टी को जाता है, मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है। हमने इस पर काम किया, हमारी किस्मत में सेवा नहीं थी बट एनी हाउ बन गया। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे अपॉइंट किया है करतारपुर साहब का एम्बेसडर एट लार्ज, और वो स्पेशल एनवाय बनाने का मकसद यही है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो पाकिस्तान की एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, उनकी वर्सेप प्लेसेस को सेफगार्ड नहीं किया जाता, तो एम्बेसडर स्पेशल एनवाय जाके दुनिया भर के एम्बेसडर्स के साथ, सिख डायस्पोरा के साथ, जो पार्लियामेंटेरियन है उनके साथ बैठ के हम उनको बताएं कि पाकिस्तान की ब्यूटी ये है कि हम मोहब्बतें बांटने वाला वाले लोग हैं। तो अब करतारपुर साहब लोग आना शुरू हुए, और ये पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहब की मौजूदगी इट्स अ सिंबल ऑफ पीस एंड लव, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, मैं इसको कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता। जब करतारपुर साहब खुला तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मैं उनको मिलने साहब अदालत गया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे मुबारकबाद दी, तो मैंने वहाँ पे कहा, एहसन इकबाल साहब भी साथ थे, मैंने कहा सर हमारी किस्मत में शायद ये सेवा नहीं थी। उन्होंने कहा सेवा जिसकी किस्मत में थी उसने की, लेकिन खुशी की बात ये करतारपुर कॉरिडोर खुल गया, बल्कि आप सबको इन्वाइट करता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो सवाल था कि मैं एक्टिंग से फिर डेवलपमेंट प्रोफेशन में, उसके पॉलिटिक्स में, और अभी ये जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं इसमें मुझे मेरी पार्टी ने दोबारा फिर रिजर्व सीट पे नॉमिनेट किया है और प्रायोरिटी लिस्ट पे सेकंड नंबर है। सो हमने तो इस मुल्क की खिदमत करनी है और इस मुल्क का नाम ऊंचा करना है। देखिए हमारी इस पाकिस्तान से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, हमारी अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हमारे जाती इख्तलाफात किसी से अपनी जगह पे, बट आउटसाइड द कंट्री वी आल आर वन, और हमारी पहचान वन नेशन है कि वी आल आर पाकिस्तानी, और हमें इस परचम को सरबुलंद रखना है, इस दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तानी जो कौम है ये मोहब्बतें बांटने वाले। बहुत अच्छा। जदों इन्होंने सोचा ना बैठ के सियासत च ज्यादा पैसे या एक्टिंग च, फिर सियासत च आए। सियासत च ते बचे हो सर, उनका दिल चाह रहा था भाई करियर चेंज का। वैसे आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है? नहीं, कोई नहीं। आपने पहले HR मार्केटिंग पढ़ी एंड देन यू वेंट इनटू मॉडलिंग, जी। तो मॉडलिंग से आपका आगे कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है? नहीं, अब मैं वापस अपनी जो मेरी डिग्री है मैं उसको परस्यू कर रही हूं। कर रही हैं अब उसको? जी। एंड व्हाट आर यू डूइंग विद दैट? ह्यूमन रिसोर्स में, मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स हेड हूं। ओके, तो यू आर परस्यूइंग दैट पार्ट नाउ। और मॉडलिंग कम हो गई है या अभी भी चल रही है? कम हो गई है क्योंकि मैंने मास्टर्स करना है इंशाल्लाह आगे। और नून लीग में आप शुरू से हैं कि होना के आराम है? शुरू से आराम है। शुरू से नून लीग में वोट वगैरह पास करती हैं आप? जी। तो बाकी दोस्त वगैरह जो है वो भी नून लीग? सब नून लीग हैं। सब नून लीग के। ये आप लोगों का ग्रुप कहाँ पे होता है? सर अच्छी जगहों पे। नहीं, अच्छी जगह कौन सी है? डिफेंस हो गया, नहीं लाहौर में कहाँ पे बताइए ना? डिफेंस में। डिफेंस में, वहाँ साद रफीक साहब का हल्का। तो आप देखें साद रफीक साहब डिफेंस से जीते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ये हमारे नून लीग के वर्कर्स, नून लीग के साथी वहाँ पे मौजूद है, सपोर्टर्स वोटर्स वहाँ पे मौजूद है। तो साद रफीक साहब ने एक टफ कंपटीशन के बाद वहाँ पे इमरान खान के साथ डायरेक्ट मुकाबला था उनका पहले, जो अपने आपको बहुत कुछ कहते थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, साद रफीक साहब ने उनको हराया। तो हमारे वोटर सपोर्टर मौजूद है, ये देखे, ये है वो, ये हमारे माथे का झूमर है, ये हमारे माथे का झूमर है। पता था क्या कि आप इनके माथे का झूमर भी है? अब चल गया पता तो फखर और आपके सिर्फ कान में झूमर है। आप जब सुबह घर से निकली सिर्फ कान में झूमर था और एक झूमर ऐड हुआ है अभी ये। तो वैसे ये हमारा फखर है, ये हमारा फखर है, आप इनको दावत देना। वी आर प्राउड। देखिए हमें इस वक्त पार्टी के अंदर जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा वापस आई है, पार्टी के अंदर हम रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म पे जा रहे हैं और हम फोकस कर रहे हैं कि हमने अब यूथ को किस तरीके से ये देखे साथ बैठा हुआ बिल्कुल है। हम इनको इस तरह के हमारा एक अपना बाकायदा तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक विंग है और उसके अंदर फोकस यही है कि दो स्टेट ऑफ द सोसाइटी, एक तो जो वल्नरेबल कम्युनिटी है जिसमें PWDs है, हमारे ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज, और फिर ज़्यादा फोकस हमारा है कि हम यूथ को एंगेज करें और यूथ को हम रादर के डिस्ट्रैक्ट करें, कोई यूथ को डिट्रैक्ट करके किसी और तरफ लेके जाए, हम यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें ताकि यूथ हमारी एक प्रोडक्टिव यूथ बने इस पाकिस्तान की, क्योंकि आने वाला टाइम इनका। हीरा जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर घर वालों ने कोई रिश्ता कर दिया PTI के किसी लड़के से तो आप कर लेंगे शादी? कभी भी नहीं, मेरे घर वाले मेरे से भी ज्यादा नून लीगी हैं। वो लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू हो गई है। देखिए लैपटॉप जो स्कीम थी मैं वही कहता हूँ कि ये कोई हवा में बात नहीं थी। बेसिकली लैपटॉप इज अ नॉलेज इकोनॉमी। लैपटॉप दाने का मकसद ये नहीं था कि आपने लैपटॉप देखे। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम बाकी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक यही थी कि हमारी नेशन वी आर फार बिहाइंड जो डेवलप्ड नेशन है।
तो हम यही चाहते हैं कि हम आने वाले बच्चे को रादर की उसके हाथ में गाली दें, उसको क्लाशनकोफ दें, उसको कोई ऐसा जिंदाबाद मुर्दाबाद पर लगाएं, हम उनको नॉलेज इकोनॉमी में लेके आए। बेसिकली लैपटॉप इज़ अ नॉलेज हब। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जब लैपटॉप दिए तो आज उन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए और वो स्टार्टअप्स जो हैं उनके अंदर आज वो दे आर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। हमारा अब अगला फोकस ये कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा तौर पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएँ, उन इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर जितनी ये इस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी उसको इंट्रोड्यूस करें, उससे होगा क्या कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है रादर दे आर सर्चिंग जॉब्स। आज हम देखें ना, हम जब हल्के में बैठे हैं तो हर दूसरा बंदा CV लेके आता है कि जी मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अब नौकरी इज नॉट द सोल्यूशन, गवर्नमेंट इतनी नौकरी नहीं दे सकती। गवर्नमेंट क्या दे सकती, गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। अब यूथ ने उस अपॉर्चुनिटी से फायदा कैसे उठाना है, अब आज अब देखें ना अल्फा क्रीम टावर बना हुआ है, वहां पे आपका अच्छा खासा IT पे काम हो रहा है। लैपटॉप देने का मकसद यही था कि हम इनको नॉलेज इकोनॉमी दें, जब ये आ जाएगा तो सर्टनली आपकी तो अभी दोबारा शुरू हो रही है। आपके पास लैपटॉप है जी, फिर आपको एक और चाहिए? नहीं नहीं चाहिए तो अभी है, गाड़ी में पड़ा है, रोना साहब दे देंगे क्योंकि पढ़ना चाहिए। अच्छा मैं वो बात कर रहा था, बीच में रहेगी बात जी जी, कि नून लीग का चलो लड़का हो लेकिन कैसा होना चाहिए थोड़ा सा, ये तो आइडियल भी कोई होता है ना। ये तो पक्का पता हो गया कि जो रिश्ता होगा वो होगा नून लीग की तरफ, ठीक है, लेकिन लड़का कैसा होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, वो नून लीग को सपोर्ट करेगा तो वो ऑलरेडी अच्छा होगा। ओए होए होए होए, हमने डिलीवर किया, हमने परफॉर्म किया। आप ये देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस दिन अपनी स्पीच में कहा जी कराची को भी शहबाज स्पीड चाहिए, वो तो सीएम बनना चाहते रहे, कराची की पीएम बन के उन्होंने सीएम बनना चाहते होते था, सुन भी लिया कर कमलिया। कराची की बात करते, इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान को अगले 10 साल हमें बाकी चीज़ों छोड़ के इस पर डिलीवरेंस की तरफ जाना चाहिए। जब तक हम डिलीवरेंस की तरफ नहीं जाएंगे, अब इस पर कोई शक नहीं कि महंगाई इस वक्त अरूज पे है और पाकिस्तान उन ममालक में से है जहाँ पे इस वक्त शायद महंगाई बहुत ज़्यादा है, बट उसके पीछे पूरा पिछले 3.5-4 साल की वो एक मिसमैनेजमेंट है। बात यह है कि अब 1.25 साल हो गया है आप लोगों को आए हुए, ठीक है, और हम आपके सामने महंगाई तो एक चली गई वो वाला चीज़ भी हो गई कि जी शुरू में उन्होंने जो किया था विच वॉज टोटली अ रॉन्ग थिंग टू डू, कि वो जो पेट्रोल वाली चीज़ करके गए थे, ऑफकोर्स के रिपरकशंस होने थे, बट अब पिछले 6-1 महीने में IMF अभी भी नहीं आ रहा और अभी भी जो लेटेस्ट तरीन IMF ने स्टेटमेंट दी कि जी बीच में मतलब बात उनसे पैसों की हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की उनसे और उसके दरमियान उन्होंने कहा कि दे शुड वर्क आउट देयर पोलिटिकल सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला उन्होंने बोल दिया है जो कि वो नहीं बोलते वैसे, ठीक है ना। इसका मतलब है मैं इस वक्त क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सीट पर बैठूँ तो मैं थोड़ा सा रिजर्व को बातों को बहुत सारी ओपन नहीं कर सकता। क्यों IMF इस तरह की बात कर exactly. रहा है, IMF क्यों इस तरह की बात कर रहा है कि भाई ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान इज अ सॉवरन कंट्री, इसका मतलब है देयर इज अ हिडन एजेंडा। आप पाकिस्तान के अंदर क्यों अपना खेल रचाना चाह रहे हैं कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है पिछले 3-4 महीने इसहाकदार साहब बार बार क्या कह रहे थे कि हम सारी फरमाइशें उनकी मांग चुके हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं हमने सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। देखिए सबसे ज्यादा जो कीमत चुकाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चुकाई है, ठीक है, देयर इज अ PDM गवर्नमेंट और वहाँ पे हमारे बाकी इलाज भी है, बट एवरीवन सेज कि इसमें सबसे ज्यादा क्योंकि वजीर आजम साहब हमारे यहाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास है, एवरीवन सेज कि दिस गवर्नमेंट इज ऑफ PMLN, तो हमने उसकी सियासी कीमत चुकाई है। इस वक्त IMF जिस तरीके से चल रहा है तो सियासी अदम इस्तेकाम किसने लेके आया, खान साहब लेके आया ना, तो खान साहब को इस पर सोचने की ज़रूरत ये थी कि वो क्यों लेके आए थे। एक अच्छी खासी पंजाब असम्बली चल रही थी, आपकी KP की असम्बली चल रही थी, आपका IMF के साथ चल रहा था और फिर उन्हीं दिनों में इमरान खान साहब के शौकत तरीन साहब फ़ोन करके कहते हैं कि यही होने देना। इसका मतलब है बिहाइंड द सीन देयर समथिंग इज़ हैपनिंग। तो आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवाना चाहते हैं, आप किसकी खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं, किसका एजेंडा पूरा करना चाह रहे हैं। तो आज IMF ने एक नई शरारत लगा दी है कि जनाब आप सियासी इस्तेकाम होगा तो फिर हम करेंगे भी सियासी इस्तेकाम, इलेक्शन हमने बोल दिया कि इलेक्शन टाइम पे होगा। साहब ये कब तक हो जाएगा, जैसे आवाम को देखिए बार बार हर वो कह रहे हैं कि अब असम्बलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, जैसी असम्बलीज मुद्दत पूरी करेंगे वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
60 डेज का टाइम है कि 60 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं। 13th अगस्त को कंप्लीट हो रहा है टेन्योर। अगस्त में हो रहा है तो 13 अगस्त आई थिंक तारीख मैंने सुनी थी। मरियम औरंगजेब ने शायद 13 अगस्त का कुछ कहा था। अक्टूबर का दिया हुआ है कि अक्टूबर में मतलब अक्टूबर में तो इलेक्शन टाइम दिया हुआ है ना, मगर जो गवर्नमेंट है वो 13 अगस्त तक सुना रहेगी। महंगाई तो खैर उस पर हम काम कर रहे हैं कि अभी चाइना के साथ हमारा जो था वो रोल ओवर हो गया, लोन रोल ओवर हो गया है। चाइना इस वक्त हमें सपोर्ट कर रहा है, जो फ्रेंडली कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कल मेरी दोबारा मुलाकात भी है इसहाक डार साहब से मुलाकात भी है। ये चीजें सब उनको पता है इसहाक डार साहब। लेकिन सर महंगाई जितनी मर्जी ओन तेनू की फिक्र, तू तो दुनिया ने इसे रोटी खानी होती। दो बोरियां सुतियां पईयां, चीनी दी बोरियां, पर उत्ते लिखिया कुछ नहीं सी होया। ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਬਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ JKT। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੈਜੈਂਡ ਇਜ਼ ਬੈਕ, ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਾਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ
ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਗੂ ਤਿਆਰ ਅੱਛਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਐਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ लेकिन मेरी मजबूरी सी मैं सीट चेंज नहीं सी कर सकता क्योंकि और कोई बंदा ही नहीं सी किहदे नाल करदा पहुंचे फिर लोधा अच्छा तो कहना नहीं सी पहुंचे फिर उत्थे अच्छा जाके मारा सलूट मैं क्या सर जी आर्डर लाओ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੋਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ ਅੱਛਾ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਓਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ ਓਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਈ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MPA ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੇਲੇ ਯਾਦ ਆਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ MPA ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਕ MN ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬਿਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MP MN ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਓ ਨੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ बीमार हो गया असल जी डॉक्टर ने मेनु इंजेक्शन लाया ना ते वो आर पार हो गया सुराख हो गया सी ना सर ਬਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਬੀ ਕੌਣ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਜਾਈ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਨੇ ਬਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਉਹ ਬਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਬਾਬੀ
अच्छा ये वो नहीं है जी, मैं कोई भी नहीं है, मैं बोलना ही नहीं है। नहीं नहीं मैं मजाक कर रहे हैं, मैडम का मैं फैन है। अच्छा हीरा जी, यस हीरा अब्बासी साहब टॉप मॉडलों के विचों इन्हां दा एक नाम है। जबरदस्त, की नाम है? हीरा अब्बासी, हीरा अहमद अब्बासी, पूरा नाम यार लईदा हुंदा है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मॉडल है ने, और भाईजान एक फोटो दे दियो ताकि मैं बरजाई नूं भेज देवां भी इत्थे बैठे इंजॉय कर रहे ने, तुसीं घर दे काम कर रहे हो। मैम कहना है एवरीवन सेल्फी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बॉस वास्ते कोई लंगर पानी का बंदोबस्त किया? जी जी, आज तुसी रोटी तो बगैर नहीं जाना। अरे यार नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आज भी तुसी खवानी। वेलकम बैक जी, आवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, मेरा नाम गौसिम आप है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ जाती है, तो आप महंगाई को ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या लाए अमल होगा? देखिए हमारे पास पूरी एक टीम मौजूद है और हमने प्रूव किया है, जब 2013 में हम आए थे, 2013 में आपका ग्रोथ रेट गिरा हुआ था, आपके मुल्क के अंदर बिजली नहीं थी, आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की फिजा थी, कराची में कोई जाने से डरता था, पिशावर के अंदर दहशतगर्दी थी, स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं थे, सबसे बड़ा उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव लेवल की आपकी माइग्रेशन होकर लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे, इन्वेस्टर यहाँ से निकल के जा रहा था। हमने उस 5 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम के अंदर लेके आए, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट दिया, क्योंकि मैं पंजाब असम्बली में पंजाब में था, पंजाब के अंदर हमने बाकायदा तौर पर पंजाब की ग्रोथ स्ट्रेटजी दी जिसमें हमने 8% ग्रोथ दिखाई। उसके बाद हमने दहशतगर्दी को बिल्कुल अंजाम पे पहुँचाया और हम दोबारा खुशहाली कराची के अंदर, जब मैं जाता था कराची के अंदर 2013 में लोग डरते थे, जब मैं 2015-16-17 में दोबारा कराची गया तो लोग नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगाते थे कि हमने वहाँ पे दहशतगर्दी की फिजा को ख़त्म किया। तो हमारे पास एक बाकायदा तौर पे टीम मौजूद है, आप देखें ना, आप आज आप मुस्लिम लीग नून की टीम देखें तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नामसाइब हालात में किसने जेल नहीं भुगती, मियाँ नवाज शरीफ साहब से ले के मुफ्ता इस्माइल, मरियम नवाज शरीफ साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, जिन्होंने 2 साल जेल भुगती, उनकी छोटी बच्ची जब वो आए थे तो मतलब वो बड़ी होके 2 साल बाद उन्होंने अपनी बच्ची की शक्ल देखी। ऐसे इकबाल साहब को 2.25 महीने सजाए मौत की चक्की में रखा कि आपने नारोवाल में स्टेडियम क्यों बनाया, क्योंकि नारोवाल तो एक बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर एक छोटा सा पसमानदा सा ज़िला है, आपने वहाँ पर स्टेडियम बनाया। और मैं आपको वासे भाई बताऊँ कि हमने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमने वहाँ पर क्रिकेट मैच करवाया, जो एक एग्जीबिशन मैच था नारोवाल के अंदर, वहाँ पर हमारी लाहौर कलंदर और PCB 11 वहाँ पर गई, 20 से 25 हज़ार तमाशे ही मौजूद थे, और वो जब तमाशे मौजूद थे कमेंटेटर बार बार, PCB का स्टाफ, लाहौर कलंदर की प्लेयर सब कह रहे थे कि हमने बहुत सारी जगहों पे क्रिकेट का मैच खेला है लेकिन हमने इस तरह के तमाशा ही नहीं देखे, एक पत्ता तक नहीं हिला अपनी जगह से। और मैं अपने नारोवाल की आवाम का जितना शुक्रिया अदा करूँ, जो मैं बार बार कहता हूँ कि नारोवाल की आवाम मोहब्बतें बांटने वाली, प्यार करने वाली आवाम है, तो हम तो बड़े मेहमान नवाज हैं। और उस वो जो 4 घंटे गर्मी थी, अरूज पे गर्मी थी, 37-38 टेम्परेचर था, उसके बावजूद सारे मैच देखने वाले उस मैच से महसूस हो रहे थे। तो उस दिन पैगाम दिया ना नारोवाल की आवाम ने कि इमरान खान साहब ने हमारे लीडर को जो 2.25 महीने सजाए मौत की चक्की में रखा वो गलत किया। एहसन इकबाल साहब ने वहाँ पर दोबारा खड़े होकर कहा कि मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं इस तरह के इनिशिएटिव दोबारा फिर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम हीरा मैम, मेरा नाम फ़ारूक़ है, मेरा आपसे एक सवाल है, आप मॉडलिंग कर रही हैं, क्या आपका नेक्स्ट प्लान एक्टिंग की तरफ आने का है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक्टिंग क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, मुझे अपनी स्टडीज पे फर्दर फोकस करना है इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमीश है। सरदार साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के आए हैं तो डेफिनेटली आपने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया होगा, तो हमारी जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती है उसके लिए PMLN के पास क्या प्लान है? बड़ा आपका एक रेलेवेंट और वैलिड क्वेश्चन है, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की कि हमारा फोकस यही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग दें, जिस तरह मैंने कहा कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, हम IT के अंदर बच्चों को फ़रोग दे रहे हैं, हम उनको लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो IT का। आज आप देखिए यूरोप के अंदर, कैनेडा के अंदर जब जॉब्स निकलती हैं तो वहाँ पर आपको IT की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल टेक्नोलॉजी की आपको 30 जॉब्स मिलती हैं, शायद HR की, फाइनेंस की, बाकी जॉब शायद एक एक दो दो मिलती है। तो इसका मतलब आने वाला टाइम, आप खासकर कोविड के बाद तो आपका टोटली लाइफस्टाइल चेंज, बिकॉज आई एम रनिंग अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो जब कोविड आया था तो मैंने सफ़र किया था, तो
तो उस वक्त हमने जब आईटी का रोल उसमें इंक्रीज किया तो उससे हमें बहुत सारे रिजल्ट्स बेहतर नजर आए। तो यस, हम वी आर फुली सपोर्टेड एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हमें इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देना है। जब तक एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग नहीं देंगे पाकिस्तान की ना तो जीडीपी में ग्रोथ आएगी, ना पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ना पाकिस्तान के अंदर जो आने वाली यूथ है उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यस, ये हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने कुछ निकाले भी हैं बच्चों के लिए कि हम किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग दे सकते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन इट जी। वेरी गुड सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलमास सहर है और मेरा सवाल हीरा मैम से है कि मॉडलिंग में कभी डिस्क्रिमिनेशन होती है लाइक हाइट्स वगैरह पे फॉर द शूट्स? नहीं, लेकिन मुझे मेरे कलर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन लगा। लोगों को लगता है कि गोरा रंग है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन मॉडलिंग की फील्ड में गोरे रंग को सबसे ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाट आई हैव फेस्ड, क्योंकि गोरा रंग होता है, स्किन पतली होती है, आपकी वेंस नज़र आती हैं, फिर आपका मेकअप में टाइम ज़्यादा लगता है, फिर रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की डिफरेंट होती हैं, डिज़ाइनर्स की डिफरेंट होती हैं, उसकी वजह से मुझे काफ़ी। मेरी तो दुआ फिर आपका रंग अकरम साहब जैसा इतना सोना नहीं हो सकता। 2020 खेलते हैं, खेलो जी। ऑप्शन दूंगा हीरा, उन्हीं में से आपने जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं आ रहा या नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले कौन खेलना चाहेगा आपने से? पहले हीरा जी को। हीरा जी पहले। हीरा, आप एग्रीड हैं इस बात से? बिल्कुल। ठीक है, आपस में पार्टी की बात है, जो मर्जी पहले खेल ले। बताइए हीरा पे। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शन आपके पास जो है वो है फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, शान शाहिद और अदनान सदीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? अदनान सदीकी। स्माइल किन को दे रही है? शान। और फ्लोर आ चुका हुआ है? हुमायूं। हुमायूं सईद। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही है, किसी को साथ लेके जा सकती है? जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्लाह और अता तारण। नो कमेंट्स। हम नून लीग हैं, हमारी इंसानियत इस चीज का गवारा नहीं है हमें। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। ये बताइए 5000 का नोट आपने देखा हुआ है? बिल्कुल। उस पे किस जगह की तस्वीर बनी होती है? इतने गौर से नहीं देखा ना। फिर ये अगले सवाल पे चलूं या वापस ओरिजिनल पे जाना चाहेंगी आप? सवाल उसका अगर अच्छा है अगला तो नहीं, वो उसका सवाल वही आपको टिल द टाइम यू गिव एन आंसर। नहीं, आप जनरल नॉलेज पे ही रहे हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, आप ये बताइए इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम क्या था? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल नहीं आईडिया। ठीक है, ये बताइए व्हाट डस पीडीएफ स्टैंड फॉर? पावर डॉक्यूमेंट फाइल। ता तारण साहब नु छड़ आओ, मैं उन जदा बंदा एक और ले आवांगा। ऐसे नहीं होगा, वो कह रही है जनरल नॉलेज में हार जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है जी, नहीं पता पीडीएफ का भी नहीं। इट्स कॉल्ड पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे चलते हैं। जीटी रोड मियाँ साहब ने बनाई है, मोटरवे जो मियाँ साहब ने नहीं बनाई उसको कहते हैं जीटी रोड। तो जो वो रोड मियाँ साहब ने नहीं बनाई, जीटी रोड, व्हाट डज जीटी रोड स्टैंड फॉर? ग्रैंड ट्रंक। ये शुक्र यहाँ पे आया है। आगे चलते हैं टाइटैनिक पे चलिए। दो वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमाद अजहर और उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार क्या है, मतलब इतना तो बनता है ना उनका। डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ। इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब होंगे वो। ठीक है जी सरदार जी। सर बता दें फिर, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को कर रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और डॉक्टर फरदौस आशिकवान। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप, माहिरा खान करेंगे? शायद आजकल आप कर लें, ऐसे नहीं कहते, किसी तरीके नहीं कर रहे। ठीक है सर, ये बता दें टेलीविजन पे तीन तकरीरें चल रही हैं, एक इंसान की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक इंसान की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक ही तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल यासीन, जनाब आबिद शेर अली और तीसरे हो गए राणा मशहूद। तो किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे? राणा मशहूद। किसकी तकरीर आ रही हो तो एक बार सुन लेंगे? बिलाल यासीन। और किसकी तकरीर में कमरा छोड़ रहे हैं आप? जो पीछे रह गए आबिद शेर अली। ठीक है,
चांद पे जाइए फिर किसी को साथ ले। सारे सेगमेंट बेहतर है इस सेगमेंट में, आप जो उल्टी कलाबाजी लगवाते हैं ना कुटनी वाला काम बच गया इस सेगमेंट को किसी एक में तो होना चाहिए था। सर ये बताए चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं? जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, आप वापस आ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन जो है वो है हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक और बुशरा अंजुम भट्ट। तीन आपकी पुरानी कुलीग्स। बुशरा को छोड़ेंगे। बुशरा अंजुम भट्ट ठीक है। लड़ेगी मुझसे कि मुझे छोड़ा है, पर ख्याल है चले। हाँ, आपके तीनों ने पूछा तो एक जाहिर बात है आपको जवाब देना पड़ेगा। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं, ओए होए भाई ये बड़ा मसला है, महविश हयात, सबा कमर और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। महविश हयात होंगी वो, बहुत जोर देकर उन्होंने बताया। रब तड़ी जिंदगी हयात करे। डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अख्तर हुसैन बादशाह, जनाब शुएब सदीकी और हीरा। लाइफ जैकेट जी हीरा को दूंगा, हीरा की जरूरत है, हमें यंग लोगों की जरूरत है, तो हीरा आएगी ना, मेरे फ्यूचर हमारा फ्यूचर है, तो हीरा को दूंगा। ओए होए साहब आप सुन लीजिएगा जो अल्फाज कहे इन्होंने। एक बात वासे भाई, जब मैं पंजाब असेंबली में आया था तो नो डाउट कि मुझे हसन इकबाल साहब ने और मियां नवाज़ साहब ने तो भेजा, बट जो मुझे पंजाब असेंबली में कैरी किया और जो मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, अल्लाह भी उनको जनरल नसीब कर रहे, राजा शफाक सरवर साहब। राजा शफाक सरवर ही वाज अ ग्रेट मैन, और जिस दिन मैं आया उन्होंने मुझे उस दिन से लाइक यंगर ब्रदर, बेटा क्या है यंगर ब्रदर क्या है, मुझे कैरी किया, और मैं आज भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि पंजाब असम्बली के अंदर मेरी एक वॉइस थी, तो उसका क्रेडिट जहाँ पे एहसन इकबाल साहब को, राना सनाउल्ला साहब को और मियाँ साहब को जाता है, वहाँ पे उसके कारण राजा शफाक सरवर साहब को जाता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।